सही एवरीवन, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक न्यू फूड व्लॉग जलंधर में, जिसका नाम है द टी हट। एंड ये ईस्टवुड विलेज में है, अभी अभी न्यू ओपन हुआ है। सो चलिए मैं आज आपको इनकी एम्बियंस, इनका फूड सब दिखाती हूँ। सो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइज, आप देख सकते हो द टी हट है कैफ़े, एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है बाहर से भी। सो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं इनके बहुत ही सुंदर से इन्होंने बाहर सिटिंग अरेंजमेंट किया है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। सो आप देख सकते हैं इन्होंने एक छोटे से ट्री लाइट लैम्प लगाया है, एंड जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इनका डेकोर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड आप यहाँ पर बाहर बैठ के व्यू इंजॉय कर सकते हो ईस्टवुड का। गाइस, ये है हैप्पी ट्यूसडे इनकी मील या स्पेशल, देख सकते हो आपके इनके पास स्पेशल स्नैक्स हैं, एंड रोटी है, पराठा है, स्पेशल सब्जी है। सो गाइस, आप इनका अंदर का एम्बियंस देख सकते हो, एंड ये बहुत ही सुंदर सा कैफ़े है जलंधर में, इसीलिए मैं आया आज इसका फूड ब्लॉग बनाने आ गई। ये आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी सारी चाय को लेके काफ़ी फ़ोटो पोर्ट्रेट्स लगाई हुई हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक एंड सुंदर लग रही है। इनका डाइनिंग बहुत ही सुंदर है, वुडन का है पूरा, जो कि बहुत ही अच्छे से लुक दे रहा है। ऐसे इनका बार एरिया है, यहाँ पे इनके पास कूलर एंड काफ़ी तरह के ड्रिंक्स हैं। प्लीज़ आप यहाँ का भी डेकोर देख सकते हो, लाइट्स बहुत सुंदर है, एंड वॉल को बहुत ही अच्छा सुंदर सा डिज़ाइन दिया है, एंड ये आपको चाय देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ मग्स भी रखे हैं, देख सकते हो आप। सो गाइस, ये है इनका द टी हट का मेन्यू। सो देख सकते हो इनके पास है घेरी बास मेन्यू, जहाँ पे इनके पास कटिंग टी है, छोटू टी है, तुलसी मसाला चाय, दूध पत्ती, सब देख सकते हो। जैसे इनके पास आइस टीस एंड आइस कोल्ड ड्रिंक है, बाकी देख सकते हो मोइटोस है इनके पास, थिक शेक है जिसमें भी काफ़ी वैरायटी देखोगे, रोज़ फलूदा भी है इनके पास शेक। ये है इनके पास रैप, और ये है चाइना का माल जिसमें है वेज मंचूरियन, चिली मशरूम एंड काफ़ी सारी चाइनीज आइटम्स, डम्पलिंग्स है, सिजलर्स है, देख सकते हो कोल्ड सैंडविचेस, ग्रिल सैंडविचेस, अब बहुत सारी और भी आइटम्स हैं इनके पास। जैसे कि आप देख सकते हो पिज़्ज़ा है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, बाकी पास्ता है जो कि मैंने अभी ऑर्डर किया था अल्फ्रेडो, वो है 345 का, एंड इनके पास एग है, राइस बाउल है, टिक्का तंदूरी है, कितने तरह के इनके पास टिक्के हैं, बाकी इनके पास मेन कोर्स आ गया है जो इसमें इनके पास दाल मखनी, दाल फ्राई, सोया चाप, पनीर की काफ़ी सारी आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड ये है चू चू प्रॉन है इनके पास, काफ़ी टाइप का है, आलू प्याज का है, गोभी का है, वो भी ब्रेकफास्ट करना हो तो कर सकते हो। काफ़ी तरह के इनके पास ब्रेड्स हैं, देख सकते हो मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा एंड राइस है, सो दही है, बेकरी आइटम काफ़ी सारी हैं इनके पास, देख सकते हो आप। तो गाइस, आज मैंने ऑर्डर किया है वेज अल्फ्रेडो पास्ता, एंड देखने में कितना ही टेस्टी लग रहा है। इसमें चेरी टमाटोज है, करियंडर है, ब्रोकली है, एंड बहुत ही टेस्टी सा पास्ता लग रहा है। साइड्स में इनके पास गार्लिक ब्रेड है, एंड इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो। सो गाइस, मैं अभी पास्ता अपने आप को सर्व करने जा रही हूँ, एंड काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं इसमें, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा इसको, अभी टेस्ट करने जा रही हूँ इसको मैं। तो आप ही मेरे साथ टेस्ट करिए। गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस पास्ता है, मैं इसको 10 out of 10 अभी दे रही हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है। चीज़ का फ्लेवर, पास्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, मैंने किया है फ्रेश लाइम सोडा ऑर्डर,
क्योंकि अभी बहुत समर है एंड ये पी के मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा एंड दिखने में भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। सो अभी टेस्ट करके देखते हैं। गाइस बहुत ही ज़्यादा सिट्रिक है एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो ये आप मस्ट ट्राई कर सकते हो। मुझे तो ये फ्रेश लाइम सोडा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। सो इसको मैं देना चाहूँगी 9.5। सो गाइस ये है हमारी क्यूट सी लिटिल टी केटल एंड देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही क्यूट सी है एंड दो ग्लासेस है और हमारे ओजी पार्ले जी बिस्किट जो कि सबसे फेमस है आपको तो पता ही है। एंड अभी मैं इस कप में इसको डालती हूँ चाय को। गाइस आप देख सकते हो बस। सो गाइस आज मैं आई हूँ जैसे कि आपको पता है द टी हट जो कि जलंधर में पड़ता है एंड इनका फूड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, इनकी एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ यहाँ पे आ सकते हो। इनका प्राइस भी काफ़ी जेन्युइन है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पास्ता खाया, फ्रेश लाइम सोडा पिया एंड यहाँ पे चाय भी पी एंड बिल मेरा सिर्फ 600 है। सो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टीज एंड वैसे भी आ सकते हो। ये ईस्टवुड में पड़ता है जैसे कि मैंने बताया आपको। सो अगर आप भी ऐसे ही फूड ब्लॉग्स देखना चाहते हो और भी ज़्यादा, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड एक बार फिर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।